ज़िंदगी में सोचना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सोचना कभी कभी हमारी ज़िंदगी को पॉजिटिव या नेगेटिव अफेक्ट कर सकता है। कुछ फ़ैसले लेना या हालात को समझने के लिए सोचना ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी ओवर थिंकिंग भी स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। ज़्यादा सोचना अक्सर बेचैनी और तनाव में इजाफे का सबब बनता है, क्योंकि आप बदतरीन सूरत हाल पर गौर करते हैं या माजी के फ़ैसलों का लामुमतनाही तज़िया कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सोचना इंतखाब करने में गैर फैसला कुन या तख़ीर का सबब बन सकता है, क्योंकि आप हर मुमकिन नतायज का वज़न करते हुए उलझ जाते हैं। ज़्यादा सोचना आपकी पैदावारी सलाहियत और तवज्जो को कम कर सकता है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अफवाहें असल कामों और मकसद से वक्त और तवानाई को दूर करती हैं। दूसरों के अमाल या इरादों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा फ़िक्र की वजह से ज़्यादा सोचना गलत फहमियाँ पैदा करके या गैर ज़रूरी तनाज़ात पैदा कर सकते हैं, जो ताल्लुकात को भी ख़राब कर सकता है। मसलसल खुद पर तनकीद और खुद पर शक अक्सर ज़्यादा सोचने का हिस्सा है, जो कि खुद इतमादी को कम कर सकता है और खुद की मनफी तस्वीर का बायस बन सकता है। ज़िंदगी में बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ना ज़्यादा सोचना और ना कम। हर सिचुएशन को समझकर सही फ़ैसला लेना ज़रूरी है। हद से ज़्यादा सोच को दूर करने में अक्सर जहन साजी और अफवाहों के वक्त की हद मुकर्रर करने के लिए दिमागी सेहत के पेशेवर अफराद से तआवुन हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।